नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसमें आप ये देख रहे होंगे दो पत्ते यहाँ पर हैं और इसका पौधा देखो आप इस तरह से, आपको लगेगा कि ये मर चुका है लेकिन ये मरा नहीं है। आप इसको जान लें, मैं इसको जान कर छोड़ी थी सीड बनने के लिए ताकि आपसे शेयर कर सकूँ कि पौधे जब सीड बनने दोगे तो पौधे की हालत ऐसे हो जाती है। और अब जब सीड तैयार हो गया है तो मैं इसके सीड को निकालती हूँ और आपसे इसको ग्रो करके शेयर करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि ये पौधा किस चीज़ का है। तो दोस्तों, ये ब्लीडिंग हार्ट का जो फ्लावरिंग प्लांट है उसी का पौधा है और किस तरह से फ्लावरिंग किया है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, हटाती हूँ। तो दोस्तों, इसको यहाँ से हटा लेते हैं यानी लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये मैंने काट कर सारे को यहाँ से हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। और जब फ्लावर खिलकर समाप्त हो जाए तो इस तरह से आपको फ्लावर को हटा देना चाहिए ताकि उसमें बीज ना बने। बीज की आवश्यकता हो तभी बीज बनाया करें, नहीं तो फूल समाप्त होने के बाद उसको हटा दिया करें। दोस्तों, अब मैं ले आई हूँ, अब इसके सीड को निकाल लेने हैं। इस तरह से एकदम सूखा हुआ है, इस तरह से करके आप सीड को निकाल लें। तो दोस्तों, सीड जो मैं निकाली उसमें से बहुत कम सीड निकले हैं। आप देखोगे इसमें मात्र 4 सीड मेरे पास आए हैं, 4 ही हाथ लगे हैं मुझे। और इसी को मैं ग्रो करके आपको दिखा देती हूँ। ऐसे मैं आपसे बात कर लूँ कि ब्लीडिंग हार्ट को मैं अक्सर क्या करती हूँ, कटिंग से लगा लेती हूँ। बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, लेकिन डिमांड में आई थी आपके कमेंट में कि इसको सीड से लगा के दिखाइए, इसलिए मैं इसको सीड को छोड़ दी थी बनने के लिए ताकि मैं आपसे वीडियो शेयर कर पाऊँ। अब इसमें 4 ही सीड निकले हैं तो इसको अब लगा देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके लिए मैं जो यहाँ पर सॉइल रखी हूँ वो सॉइल है, खेत की सॉइल है, और उसमें सैंड मिलाकर 4 ही है तो मुझे आसानी ही हो रही है। ऐसे मैंने 4 होल बना लिए हैं और एक एक को मैं इसमें डाल देती हूँ। सोक करते हैं रात में, उस तरह से इसको भिंगा करके रख सकते हो और सवेरे भी लगा सकते हो। लेकिन मैं इसको सीधे ही, चूंकि आपसे शेयर करनी है, मैं इसको सीधे ही 4 को डाल दी। और ऊपर से मिट्टी आप इसी मिट्टी को कर दो या फिर ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी और इसमें डाल दो। और इस तरह से इसको अब डालने के बाद अब क्या करना है हमें कि इसमें पानी दे देनी है और देखते रहना है कि ये मॉइस्ट भी रहे और बहुत ज्यादा पानी इसमें रुके नहीं। इस बात का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देते रहनी है, नहीं तो सीड खराब हो जाएंगे। और दोस्तों, इसको मैं जब फिर इसमें पौधे निकलेंगे फिर मैं आपसे इसको शेयर करूंगी। तो इसको अब थोड़ी सी पानी दे देते हैं और पानी देकर इसको छाए वाली धूप जहाँ आती हो वहाँ पर ढककर इसको रख देते हैं। 45 दिन बाद दोस्तों, ये आप जो ब्लीडिंग हार्ट की 4 सीड लगाई गई हुई थी उसका अपडेट देख रहे हैं। इसमें फ्लावर भी आ गए हैं, हालांकि फ्लावर में अभी रेड वाली नहीं आई है, लेकिन 4 में मात्र एक ही पौधा इसका ग्रो कर पाया है। 3 बीज लगता है कि खराब हो गए, 3 नहीं लगे। और बीच में मैंने एक कटिंग यहाँ लगा दी थी कि ये कटिंग भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि एक ही पौधा था और इसे मुझे आपको दिखाना था कि ये किस तरह से ग्रो हुआ है। अब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, इसको पॉट में से निकाल कर और अलग किसी पॉट में इसको लगा दूंगी। 2.5 महीने बाद दोस्तों, जो सीड से ब्लीडिंग हार्ट लगाई गई थी, 4 सीड मैंने लगाए थे जिसमें से मात्र एक सीड सक्सेसफुल हुआ था और उसे मैंने आपको दिखाया भी था, साथ ही उसको मैं एक नए पॉट में लगा दी थी। आज देखो इसकी स्थिति इतनी बड़ी हो गई है। यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया था क्योंकि ये झाड़ी नुमा होता है, अगर इसको शेप में रखना है, गमले में रखना है, तो आपको प्रूनिंग करते रहनी होगी। और इसका फिर ब्रांच देखो आप, यहाँ इतनी दूरी पर इसके ब्रांच आ गए हैं और इसमें फ्लावरिंग कितने मस्त हो रहे हैं ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूंगी।
यह कहते हुए कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, सीड से लेकर फ्लावर खिलने तक लाने में और इसको बचा कर रखने में बहुत परेशानी होती है। और मैं ने सोचा था कि अगर ये जब तक इसमें फ्लावर ना आ जाए, जब तक ये पौधा पूरी तरह से नहीं बड़ा हो जाए, तब तक मैं आपको शेयर नहीं करूंगी इसको। और इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।